banget ya. Piron jalan. और क्या क्या लाया? और कुछ बाकी नहीं क्या क्या? हाथ में बीत दिया। गाइस ये नजारा देख सकते हो, गाइस कितना खूबसूरत है, देख सकते हो ये ब्लू नदी है ये, और आगे का व्यू आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। और आज यहाँ पे कैंपिंग करने वाला है, और साथ में हम लोगों ने बहुत कुछ सामान लाया है यहाँ पे, चावल वगैरह, सब्जी वगैरह, और ये तो मालूम है ना, दो लेके आया है साथ में, रतुल भाई, परंजन और भाई लोग भी है, सब लोग मिल के आज कैंपिंग करेगा। हेलो, अभी सामान वामान लेके जाएगा, सब सामान लो, अभी जाने वाला है अपना लोकेशन पे कैंपिंग करने के लिए। हो जाएगा रे, एक ऑटो ही होने पड़ा, गाड़ी यहाँ पे रख दिया है, अभी जाएगा, आज मजा आने वाला है, अभी वीडियो पे बने रहना, आप सभी लोगों को बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। बीबी कम टू इंद्रनगर, देख सकते हो व्यू कैसा है, लेकिन धूप के वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, इधर का व्यू देख सकते हो गाइस कितना खूबसूरत है, ये दुलू नदी है, और फिलहाल हम लोग आया है यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए दोस्तों के साथ, आज बहुत ही बढ़िया और बहुत ही धमाधार वीडियो होने वाला है, सो वीडियो पे बने रहना अंत तक, बहुत कुछ होने वाला है गाइस। सब कुछ लाया, बस नमक लाना भूल गया। अभी नमक लाने के लिए जा रहा है, और ये पियरंजन। बोतल उस साइड चला जाएगा, पत्थर रखो उस साइड में, ऐसे पत्थर रख रही चला जाएगी, नहीं तो खोलो मत, नहीं तो सब चला जाएगा, एक एक करके सब चला जाएगा। हाँ ऐसे करके रखो, अभी पहले नहाएगा क्योंकि बहुत गर्मी है, और नहाने के बाद सब कुछ रेडी होने वाला है, लकड़ी बकरी जमा करेगा, और आज कैंपिंग होने वाला है यहाँ पे, नहीं तो इधर इस साइड में कैंपिंग करेगा, और नज़ारा देख सकते हो गाइस कितना खूबसूरत है, आप सब लोग भी ऐसे जगह पे आके एंजॉय कर सकते हैं। और हम लोग का पियर रंजन मोटू भाई को देख सकते हो। शानदार वीडियो होने वाला है, अभी हम लोग लकड़ी ढूंढने के लिए जाएगा नदी के उस पार, और पानी बहुत ही स्पीड है इसका, पानी देख सकते हो गाइस, और मछली तो बहुत ही है यहाँ पे, मछली देख सकते हो गाइस, पानी का तो ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा छोटा मछली है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और पानी का बहाव देख सकते हो कितना स्पीड है, बहुत ही पिसलन भरी जगह है यहाँ पे, पत्थर जो पूरा पिसला है बहुत ही ज़्यादा, और खाली पेड़ से है ना, देख सकते हो गमछा लगा के आया आप। और ये ना जब बारिश के टाइम पे पानी का बहाव पे यहाँ पे बेम्बू वगैरह सब कुछ यहाँ पे जंगल से आता है ना, उसी को लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं अभी, और ये जगह बहुत ही खतरनाक है, अभी यहाँ से लकड़ी लेके जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा लकड़ी है यहाँ पे, और यहाँ से लकड़ी उकड़ी लेके जाएगा अभी, और वहाँ पर कैंपिंग करने के लिए भी बहुत सारा बेम्बू चाहिए ना, सूखा वाला बेम्बू और बड़ा वाला भी, तो यहाँ पे बहुत सारा है, ये सब जंगल जंगल से आया है पानी का बहाव से, जब पानी पूरा बड़ा हो गया था ना तब आया इधर पार, देख सकते हो किस तरह से फंसा हुआ है, यहाँ से लेके ही जाएगा, यहाँ से सूखा हुआ है, दो तीन दिन धूप दिया है ना, इसीलिए लगातार बारिश हो रहा था, इसलिए पानी बहुत भरा था, अभी बारिश ख़त्म हो चुका है, सो इसीलिए यहाँ पे लकड़ी उकड़ी इकट्ठा हुआ है, ये सब लेके जाएगा अभी। सारा लकड़ी मिल चुका है, अभी ये लेके जाएगा लकड़ी, और वो लोग चिकन वगैरह काट रहा है, वो सब रेडी करेगा जाके, और मैं खुद बनाएगा आप सभी लोगों को आज चिकन रेसिपी कैसे बनाता है, और जो डाक बोलता है ना क्या हम लोग हाथ बोलता है, उसका रेसिपी आज दिखाने वाला है आप सभी लोगों को, वहाँ पे सब कुछ रेडी हो रहा है उस साइड में नदी के उस पार, और मैं इस पर लकड़ी ढूंढ रहा था, अभी लकड़ी वकड़ी लेके जाएगा वहाँ पे, मजा आने वाला है आज, वीडियो पे बने रहना गाइस, बहुत कुछ होने वाला है आज, कैंपिंग करेंगे यहाँ पे, पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा है, देख सकते हो गाइस लकड़ी लेके क्रॉस कर रहा है, पानी बहुत तेज है।
सूला उला सब कुछ रेडी हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा धूप आ गया यहाँ पे। पानी गर्म करेगा पहले, पानी उबालेगा, क्योंकि जो चिकन है ना उसको थोड़ा सा वो छीलने के लिए पानी गर्म करेगा, इसमें गर्म पानी में डुबाएगा और उसके बाद छीलेगा। अभी इसका काम तमाम होने वाला है गाइस, अभी इसको रेडी करेगा, इसका चिकन बनने वाला है और इसका चिकन रेसिपी में बना के दिखाएगा आज। मोटू भाई कटेगा क्या? हो गया ये एक सेकंड अभी भी बाकी है ये। बिरयानी चिकन है, चिकन और राइस। यहाँ पे राइस वगैरह रेडी हो रहा है और भाई यहाँ पे मसाला रेडी कर रहा है और यहाँ पे चिकन पता है ना वो हो रहा है और इसको भी उबालेगा। इसका जो ये है ना नूम है, इसको निकालने के लिए पहले गर्म पानी पे उबालेगा थोड़ा सा, उसके बाद ही ये थोड़ा सा नरम होता है सो इसको निकालने में आसानी होता है, इसलिए गर्म पानी में पहले डुबाएगा इसको उबलता हुआ पानी पे। पड़ेगा रे इसमें पहले मिट्टी लगाना पड़ेगा, इसलिए तो पूरा काला हो जाएगा। मैं मिट्टी साइड में है ना, साइड से लेके आएगा मिट्टी। ऊपर उठाओ, हाँ इसकी उठा इसको नीचे से लगा देगा, मिट्टी लगा देगा तब धुलाने में आसानी होगा ना। इसको सारों तरफ से अभी मिट्टी लगा दिया, अभी यहाँ पे आँख में बैठा दिया इसको मिट्टी उट्टी लगा के, अब ये पकने वाला है। यहाँ पे चिकन कट रहा है और अपन अभी राइस बनाएगा पहले। काटने से पहले थोड़ा सा रोस्ट करेगा यहाँ पे, क्योंकि इसका जो नूम है ना वो रह जाता है, पतला पतला वाला, वो छोटा छोटा वाला है। जलाने से सब चला जाएगा, थोड़ा सा रोस्ट करेगा, उसके बाद पीस पीस करने के बाद ही मसाला उसला दे के बनेगा। रेसिपी हाँ उस टाइम पे रेसिपी स्टार्ट होगा। चिकन लेग पीस होने ही वाला है गाइस। अभी भी हम लोगों का मसाला रेडी हो रहा है, चिकन तो कटना खत्म हो चुका है, अभी इसमें सब कुछ डालेगा। अब पहले इसको अच्छी तरह से छान के रखेगा और पूरा फ्राई में डालेगा। रेडी हो चुका है अभी, इसमें डालेगा अभी और इसमें प्याज डालो, प्याज कोई तरह से अभी इसको मसाला पूरा लगाएगा। नहीं देखा इधर, गुड़ी नहीं देखा, गुड़ी नहीं देखा क्या दाऊ खाली बालू पे होई बने आलू ही बन धोआ ही ना गाइस। अभी आलू को ना देख सकते हो पूरा चिकन रेडी होने वाला है। ये हो जाएगा क्या ये साइज में? नहीं थोड़ा बड़ा करके साइज बनाओ, ये करो थोड़ा बड़ा साइज बनाओ, लंबा होरे बना ये बड़ा। अभी रोस्ट हो चुका है यहाँ पे, अभी ये जाएगा 16 अभी ये आग में गया, अभी ये पकेगा, अभी गरम होगा अपने आप। ओ मेरे बार को तेल कोई तेल से नहीं, आज बहुत ही लेट हो गया, अभी सूरज भी डूब चुका है, यहाँ पे अंधेरा होने वाला है। पेरिस पेरिस देख सकते हो गाइस, ये हम लोग स्विट्जरलैंड पे आ गया है अभी हम लोग न्यू स्विट्जरलैंड। यहाँ पे नदी का सामने यहाँ पे खाना बन रहा है।
सॉस सॉस ब्रेड लाया क्या सॉस उस लाया है ये सॉस क्यों लिया है मोटू भाई लकड़ी और आज अभी बवाल होने वाला है आलू डालेगा आलू उलू डाल दिया है अभी होने वाला है और आधा घंटा ऐसे पकाएगा उसके बाद हो जाएगा और देख सकते हो गाइस अंधेरा होने ही वाला है रात हो जाएगा शायद आज और ये नदी का नज़ारा देख सकते हो चांद निकल चुका है इधर से और सूरज तो डूब चुका है इधर और नज़ारा देख सकते हो गाइस न्यू स्विट्जरलैंड होने वाला है फाइनली बहुत मेहनत के बाद अबे थोड़ा सा टेस्ट करो तो राज भाई ये इधर टेस्ट करो थोड़ा सा ये अभी थोड़ा सा टेस्ट करो जाओ टेस्ट करो नमक मक सब रेडी हुआ कि नहीं टेस्ट करो अभी और अंधेरा होने ही वाला है अंधेरा होने ही वाला है देख सकते हो चिकन कैसे बना टेस्टी होने वाला है अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा पानी डलेगा यहाँ पे थोड़ा ग्रेवी बनाएगा क्योंकि खाना पड़ेगा ना इसलिए ग्रेवी बनाएगा खाओ खाओ टेस्ट करो टेस्ट करो टेस्ट करो टेस्ट करो टेस्ट करो थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक दिया है अभी हो जाएगा और गरम मसाला डालना बाकी है वो भी डाल देंगे यहाँ पे गाइस देख सकते हो अंधेरा हो चुका है अभी और इधर चांद निकल चुका है उसमें आग बराबर डालते रहना और बीच बीच में चेक करते रहना चिकन को नहीं तो कढ़ाई पे अटक जाएगा ओ राज भाई नहा लेते आओ रात हो चुका है और ये ना पानी बहुत ही ठंडा है और बहुत 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 स्पीड से पानी जा रहा है अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी लेकिन बहुत स्पीड से जा रहा है ये देख सकते हो गाइस ठंडा है पानी बहुत ठंडा है ओके ओके पहले नहा लेगा हेलो फ्रेंड्स अभी फाइनली रात हो चुका है देख सकते हो और चिकन भी पक चुका है अब भी ये यहाँ पे सर्व करेगा और बैठेगा अभी खाने के लिए खाना लाओ इडी टोस्मा ना लाइक देखा खाना लाओ अभी थोड़ा टेस्ट करो अभी यहाँ पे देख सकते हो गाइस कैसा बना है कमेंट करना कैसा बना है फ्रेंड लोग तो नहीं खा रहा है खाने नहीं हम लोग खा रहे हैं ना वो लोग देख के टेस्ट लेगा ये करेगा वो लोग ये टेस्ट करो अभी और कहाँ पे देगा और कहो और कहाँ पे देगा इसमें इधर देखो ना यहाँ पे राइस लगाएगा और चिकन दे दिया है यहाँ पे आज मजा आने वाला है गाइस लेकिन रात हो चुका है देख सकते हो पूरा अंधेरा हो चुका है हम लोग यहाँ पे खाने के लिए बैठा है अभी सब कुछ रेडी हो चुका है और खाने के लिए सब बैठ चुका है यहाँ पे और अंधेरा बहुत है गाइस आज के लिए बस यही तक तब तक आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत बहुत अंधेरा हो चुका है अभी खाने के बाद सीधा घर जाएगा खालो खालो मोटू भाई दबा के खाओ क्या ढूंढ रहा है क्या ढूंढ रहा है क्या ढूंढ रहा है लीवर देखो लीवर ढूंढो सो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और इसका बाद और भी बहुत ही धमाल वाला वीडियो आने वाला है।